ये क्या ही मस्त लग रही है भंडारे वाली सब्जी की ग्रेवी, क्या ही मस्त तरीका से हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है भंडारे वाली सब्जी। आइसक्रीम इसको खिलाना नहीं क्योंकि इसको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है और सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। तो हेलो जी, सारे साडी वालों प्यार परी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं तो सर बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, नीरज जी के साथ साथ मेरा भी प्रणाम स्वीकार कर लो। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पे आप देख लो नीरज जी अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही है और हम 2-3 दिन से लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है मुझे काम मिल गया तो मैं काम पे चला जाता हूँ और नीरज जी खुद अकेले बना नहीं पाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं और व्यूज भी थोड़े डाउन आ रहे हैं, कम हो गए हैं दिक्कत, इस वजह से थोड़ा मन टूट जाता है। तो इसके वजह से हम कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करिए और जिससे कि हम लगातार आपको वीडियो बना सकें, काम भी करेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों अभी लगभग शाम के 4:30 बज रहे हैं, नीरज जी खाना बना रही हैं, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है, बनी रही वीडियो। तो फिलहाल दोस्तों नीरज जी ने यहाँ पे आटा वगैरह मार लिया है और यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। आलू की आज भंडारे वाली सब्जी बनाने वाली है नीरज जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं भंडारे वाली सब्जी। सारा काम हो गया है जल्दी जल्दी, यहाँ पे सारे काम हो, आज इनका व्रत है इसके वजह से खाना जल्दी बना रही हैं। वैसे लगभग शाम के लगभग 5:30-6 बज जाते हैं लेकिन अभी अभी से बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज इनका व्रत है तो जल्दी भूख लग जाती है, माथा वगैरह भी टेकना होता है। कहीं वो बना लो, यहाँ बना लो, जब वहाँ बना लो, अंधेरा सा आ रहा है यार। दोस्तों हमारी किचन में अंधेरा रहता है ज्यादातर, ये देखो लाइट भी जल रही है तब भी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसकी वजह से उधर खाना बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सामान ले चलते हैं और उधर बनाते हैं। पिंकस रखवाइए, पिंकस यहाँ पे खेल रही है, जसन पीते ये देखो यहाँ पे खेल रही है और आइसक्रीम मांग रही है और आइसक्रीम इसको खिलाना नहीं क्योंकि इसको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है और सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। तो देखो लौट रही है आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम नहीं बाद में खाना ठीक है बेटा, नहीं 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 बाद में खाना अभी, नहीं 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 नहीं, अरे रुको। चलिए दोस्तों सामान उठाते हैं, चलो उठाइए जल्दी, सिलेंडर वगैरह सब उठाना उठा के ले जाना पड़ेगा उधर क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। चलिए जसन तुम क्या करोगे, तुम बनाओगे खाना का आज है? जसन प्रीत बोल रही है, देखो मैं आज काटूंगी, ये देखो टमाटर वगैरह सब काट रही है। अरे हट जाओ, हट जाओ, तुम मम्मी बनाएंगे, हटो जल्दी। तो चलिए दोस्तों सारा सामान आ चुका है, हम नीरज जी यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। किस कर रही है हम अपनी मम्मी को, प्यार कर रही है तुम मम्मी को, प्यार करते हैं ऐसे हैं, हमें भी प्यार कर दो, हम भी कर शाम को करें दीदी को, शाम को करें। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे नीरज जी आलूओं को यहाँ पे छील रही हैं, ये देख लो गर्मा गर्म यहाँ पे आलू हैं, ये देख लो। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आलूओं को छिलवा लेते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो सारे आलू यहाँ पे नीरज जी ने नुका लिए हैं, अब यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और साथ में यहाँ पे तड़का की तैयारी करेंगे, यहाँ पे टमाटर प्याज को यहाँ पे काटेंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी तड़का की तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तुम्हें तो लगी रही होगी आज व्रत है तुम्हारा। दोस्तों यहाँ पे हमारी तड़का तैयार हो चुका है, ये देख लो टमाटर वगैरह सब कट चुके हैं, अब यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीरज जी जीरा देंगे, ये देख लो यहाँ पे आ गया हमारा जीरा, दिया जाएगा इसमें प्याज, चलिए प्याज दे दीजिए, ये देख लो दोस्तों ये आ गया प्याज हमारा भंडारे वाला, बिल्कुल स्वाद आने वाला है आज, बिल्कुल भंडारे वाला। तो चलिए तो दोस्तों जब तक यहाँ पे तड़का अच्छी तरह से भुंज रहा है तब तक यहाँ पे नीरज जी आलूओं को छोटे छोटे पीसों में फोड़ देंगे, ये देख लो इस तरह से कुछ बिल्कुल यहाँ भंडारे वाले जैसे आलू बनाए जाते हैं उसी तरह से यहाँ पे नीरज जी बना रही हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्याज है अच्छी तरह से भुन चुका है, अब इसमें टमाटर दिया जाएगा, चलिए टमाटर दीजिए, ये देख लो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमारा टमाटर आलू सारा कुछ यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गया है, अब नीरज जी इसमें यहाँ पे सूखा मसाला डाल रही हैं, ये देख लो यहाँ पे ये आ गई हल्दी हमारी और मिर्ची भी डाल दी जाएगी, अब अच्छी तरह से इसको मिला लेना है, ये देख लो कुछ इस तरह से, साथ में ही थोड़ा सा पानी दे दिया जाएगा इस जिससे अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रेवी हमारी बन जाए, गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, यहाँ पे टमाटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरह से मिल जाए। पीस के रखा है उस सूखा धनिया वही ऊपर से डाल दिया जाएगा, ये देख लो बुरादा टाइप का है बिल्कुल, तो इससे स्वाद आ जाएगा, जो धनिया हरा धनिया होता है उसका ही स्वाद आ जाएगा। तो ये देख लो ग्रेवी और बढ़िया हो जाएगी इससे, चलिए क्या ही मस्त लग रही है भंडारे वाली सब्जी की ग्रेवी,
चलिए यहाँ पे अब आलू दे दिए जाएंगे। सारी यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो चुकी है, तो ये देख लो कुछ इस तरह से। अच्छी तरह से यहाँ पे नीरज जी ने सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब इसे यहाँ पे आप देख लो क्या ही मस्त लग रही है। अब इसमें थोड़ा सा पानी दिया जाएगा। चलिए दीजिए पानी थोड़ा सा। ये देख लो दोस्तों, अब यहाँ पे लगभग 10-15 मिनट इसको पकाया जाएगा। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे भंडारे वाली, देहाती गाँव की भंडारे वाली सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये देख लो क्या ही मस्त लग रही है हमारी भंडारे वाली सब्जी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे नीरज जी पराठे वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये देख लो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे, साथ में है भंडारे वाली सब्जी। तो चलिए दिखाइए भंडारे वाली सब्जी बनी है कि नहीं बनी है, देखते हैं दोस्तों कैसी बनी है हमारी। अभी लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देख लो दोस्तों क्या ही मस्त तरीका से हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है भंडारे वाली सब्जी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। इतनी जितनी यहाँ पे देखने में अच्छी लग रही है, उतनी यहाँ पे मेरे हिसाब से टेस्टी भी बनी होगी। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है, फिर आपको बताते हैं। तो ये देख लो दोस्तों हमारी थाली लग चुकी है, तो चलिए खा के देखते हैं। अपनी ये दोस्तों, ये देख लो दोस्तों क्या ही मस्त लग रही है भंडारे वाली सब्जी। ये देखो दोस्तों, चलिए दोस्तों खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है दोस्तों। आ जाइए दोस्तों आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म फुलके और साथ में भंडारे वाली सब्जी। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस बारी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बाय 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 बाय।